53 वाले लाइन अप करेंगे ऊपर। कौन सी कैटेगरी है? 53 कैटेगरी डेड लिफ्ट। 110 kg। नाम? वंश प्रकाश शर्मा। वंश प्रकाश शर्मा 110 kg। वंश प्रकाश 110 kg। डन। क्लियर। इससे छोड़ा था 110 में शुरू किया। दूसरा कौन था जिसने 110 उठाया? 53 में नेक्स्ट। निकालो यार, ये क्या लगाया हुआ? कहां आ रहे हो? निकालो पहले। क्या नाम है इसका? एहसान। आ जाओ एहसान, आ जाओ। डालो जी ना, आ जाओ। कितना है? कितने तोले? कितना बाकी आपका? सारा वॉश आउट है। एक लिफ्ट हुई है गलती से। पास हुई है कोई? गलती बेंच की। एक लिफ्ट पास कौन सी हुई है? एक बेंच की लिफ्ट हुई है कोई? एहसान उल्ला। हां, 140 कल फेल हुई थी। एक इसमें एक पांच 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 एहसानुल हक 60 kg जो है वो यहाँ पर उठाएंगे। अब इस कंपटीशन में फेलियर या सक्सेस तो मैटर नहीं करती है, ज़्यादा सक्सेस ज़्यादा मैटर करती है, फेलियर कम करता है। क्योंकि पार्टिसिपेशन करना ही जो है वो एक सबसे बड़ी बात है। क्योंकि किश्तवाड़ अभी इस लेवल पे नहीं पहुँचा है कि यहाँ पर जो कंपटीशन होंगे, जो खिलाड़ी होंगे, वो प्रोफेशनलिज्म की तरफ जो है वो बढ़ें। आज हमारे जय साहब नए चेंज हुए हैं। सौरभ ने मेडल भी जीता। सौरभ हैं? सूरज कौन सा मेडल? 60 kg। 160 kg क्लियर हो गए। क्लियर। एहसान उल हक 60 kg उठा लिया। सूरज कौन सा मेडल आपने लिया? ब्रॉन्ज मेडल। किसमें? बेंच प्रेस। इधर जब महाराष्ट्र आपने मारा बेंच प्रेस, महाराष्ट्र में आपने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल लिया है। बेंच बेंच प्रेस में कैटेगरी कौन सी थी? 74। खड़े हो जाओ, पूरा छाती तान के मर्दों की तरह। ये क्या? शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। करोगे ना? ये छाती बाहर निकालो, ये फाड़ के। शाबाश, एनकरेजमेंट की बात है। अलियास पूरा सप्रू जो है वो अब 110 इन्होंने सक्सेसफुली किया। अब 105 करेंगे। 115 किलो। 115 चक लाइट माइक। पूरव सप्रू 115 किलो वजन उठाएंगे यहाँ पर डेड लिफ्ट में। 4 घंटे बैटरी चलानी थी गाड़ी को, स्टार्ट करके बैलेंस किया जा रहा है। और तो कुछ भी नहीं होना था भाई। जजेस कृपया ध्यान दें। हाथ को देखना आजम भाई के, ठीक है? डन। 115 क्लियर। काफी देर तक रुकना पड़ा इसको, लेकिन अच्छी बात है। 125 कौन उठाएगा? एक सौ पच्चीस केजी। 115 का। वंश प्रकाश 125 का अटेम्प्ट करेंगे। वंश प्रकाश इसके बाद गब्बर आएंगे 500 kg उठाने के लिए। हरदीप को भी नजर रखना जरा। गब्बर 205 शोले वाला गब्बर ने 125 kg। आजम जैसे सूरज को मेडल है, कोई आपको भी कोई मेडल है? नहीं नहीं। अच्छा, इसको स्टेट में गोल्ड है आजम को, तो आपको वंश प्रकाश 125। अच्छा, नहीं खेल हमारे टाइम में इतना एक्सपोजर ही नहीं था। अच्छा, तो आपने कौन कौन सी पार्टिसिपेशन की? मैंने बॉडी बिल्डिंग में नेशनल के दो कंपटीशन किए। टॉप 5 रैंक में आए। चल 125 kg। वंश प्रकाश उठाया था पूरा, लेकिन टेक्निकल वजूहात से जो है ये कर नहीं पाए। अटेम्प्ट बिल्कुल सही था। इनके कोच इनसे नाराज, कोच तौहीद क्राइपाक जो है वो नाखुश है इनसे, बच्चों से।
बड़ी मेहनत कर रहे हैं तौहीद क्राइपा। यहाँ पर एसएसपी किश्तवाड़ आए हैं बच्चों को एनकरेज करने के लिए, पार्टिसिपेशन को, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको एनकरेज करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये पुलिस ही टूर्नामेंट करा रही है। आज शाम को जो है वो इस टूर्नामेंट का फाइनल होगा। रोहन क्लिक करना, हो गया, पूरा सप्रो तीसरी 125 उनके कोच तौहीद क्राइपा पीछे से उनको एनकरेज करते हुए। एक सौ 125 किलोग्राम तालियां होनी चाहिए इस नौजवान के लिए। वजन देखिए पहले इनका अपना 53 kg वजन इनका अपना 47 है। फेल, लिफ्ट हो गई, अच्छी कोशिश नहीं है, गिरते हैं शेर सवारी ही मैदान जंग में, वो कितन क्या गिरे नादा जो कुटबल के बल चले। देखते हैं जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा काम कर पाते हैं। 125 का अटेम्प्ट करें। वंश प्रकाश शर्मा, इनका पिछला बार फेल हुआ था, इन्होंने जो है वो इन्होंने किया था, बड़ी कोशिश की थी, लेकिन मैं चाहूंगा कि टेक्निकल चीजें जो है वो ध्यान रखनी होती है। अगर हम हिंदी पे आ गए तो तुम्हारी इंग्लिश समाप्त हो जाएगी। हिंदी और उर्दू हमारी लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। 125 इंग्लिश कम्युनिकेशन 125। हमारे मीडिया के बंधुओं से अनुरोध है कि पीछे जनता जनार्दन का भी ख्याल रखें। कोई घर छोड़ के आया है, कोई पति छोड़ के, कोई बीवी छोड़ के, और कोई गर्लफ्रेंड छोड़ के। जनता जनार्दन आपकी आवाज से लुत्फुंदोज है, इसलिए वो कृपया ध्यान दें। महिलाएं, पुरुष और उससे आगे भी सभी लोग, उससे आगे कौन यार, इधर जाना, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किए तीन कैटेगरी आपको नहीं पता। दरअसल इनका वास्ता काफी रहा है उनके साथ। वंश प्रकाश 125 क्या कर पाएंगे? वीपी वंश प्रकाश 125 125 शाबाश, ये सक्सेस। 125 गब्बर बहुत खुश, गब्बर की तरफ से इनको एक देसी मुर्गा इनाम में, क्या बात है। वो भी कलगी वाला जमालुद्दीन बिंद्राबन में जो रहते हैं। आप चाहते क्या गब्बर यहाँ से भाग जाए? जी नहीं, गब्बर आज बकरा देंगे आपको। शरवन जो है वो थर्ड जनरेशन के लिए काफी काम कर रहे हैं, उसके लिए बधाई इनको। आसिफ साहब हमारी तारीख में कुछ ज्यादा खोद रहे हैं। बिल्कुल, कसीदे हम खोद रहे हैं, कब्रें नहीं खोद रहे हैं। आज आसिफ साहब की एक गेस्ट होगी। एहसानुल हक, एहसानुल हक, एहसानुल हक, पिछली बार 60 किलोग्राम, इस बार क्या एहसानुल हक कितना एहसान करोगे? 70 किलोग्राम, 10 किलोग्राम की बढ़ोतरी। 70 किलोग्राम के लिए हौसला बढ़ाया है एहसानुल हक का तालियों के साथ। उठा लिया, बिल्कुल, दो व्हाइट और एक रेड, क्लियर और एक लाल, क्लियर लिफ्ट की तरफ से, क्लियर लिफ्ट, क्लियर। 70 किलोग्राम उठा लिया एहसान ने, एहसान कर दिया, क्या बात। इसी के साथ 53 kg के कैटेगरी का जो है डेडलिफ्ट कंप्लीट हो गई है, और जो हमारे सप्रू साहब है उन्होंने सबसे ज्यादा उठाया वेट 125 के। जितने प्लेयर्स हैं मंच ने, वंश प्रकाश ने 125 उठाया सक्सेसफुली। इसकी एक रहती है, अभी क्या नाम है बताओ, एहसान की रहती है, एहसानुल हक अब 80 उठा लेते हैं। 80 कितना कर रहे हैं? 80 80 अलियास संभालने में लगे हुए हैं। खुद का वजन 52 अटेम्प्ट करेंगे 80।
गब्बर जी 25 और 20 राउंड 80 आराम से उठा लिया इन्होंने। क्या कर दिया? बिल्कुल कर दिया, कर दिया कमाल। 80 किलोग्राम एहसानुल हक ने। बहुत बहुत बधाई आपको। प्रदीप है कहीं? प्रदीप। इसी के साथ इस 53 कैटेगरी जो है वो कंक्लूजन होगी। अब नेक्स्ट कैटेगरी के लिए जो है वो शुरू होगा कंपटीशन।